हम आपको आज पढ़ाते हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन, भारत में आगमन। ये मुस्टंडे कैसे कैसे भारत आए थे ये बताएंगे। इसका कई रीजन था। यूरोप में नवजागरण हो गया था, वहां क्या करते हैं, पोप की बात अब उतनी मानते नहीं थे। पोप यही चाहता था कि लोग हमारी बात माने, तो क्या होगा, वहां वही हम कहेंगे जो लोग करेंगे। तो क्या किया था पोप ने, बहुत सारा अत्याचार किया यूरोप पर, बहुत ज्यादा। वो चर्च कहता था कि केवल चर्च के अंदर ही, जैसे भी चर्च बनता हो, कहता था केवल लोग जो पोप कहे वही करे और इसी के दायरे में सीमित रहे। ना हम बाहर की दुनिया में सोचेंगे, ना क्या होगा, हम बुद्धिजीवी बन पाएंगे। तो वो चर्च इतना ज्यादा रूल रेगुलेशन इम्पोज कर दिया था यूरोप वासियों पर कि वो तंग आ गया था। देखो, जहां भी डिक्टेटर आते हैं, वहां एक ना एक दिन क्या होता है, गृह युद्ध होना स्टार्ट हो जाता है। लोग चिंतन करते हैं कि आखिर एक ही इतने ज्यादा समय से क्यों हमारे ऊपर शासन कर रहा है, नूर सुल्तान की तरह, जैसे रिसेंट इस समय हुआ है राजस्थान में। तो वो चाहता था कि लोग चिंतन ना करें, चिंता रहे लेकिन चिंतन ना करें। चिंतन करेंगे तो हमारे लिए परेशानी हो जाएगी, हमारी बात कोई मानेगा नहीं, हम कहेंगे पृथ्वी चिपटी है तो कहेंगे नहीं चिपटी तो नहीं है, वास्को डी गामा घूम घाम के आ गए, चिपटी कहाँ है, तो ये नहीं होने वाला है। तो वहां क्या हुआ था, नवजागरण स्टार्ट हो गया था, बहुत सारे कंपटीशन पैदा हो गए थे, सबसे ज्यादा उद्योग व्यापार वहीं हो रहे थे। तो क्या किया यूरोप वासियों ने, सोचा कि क्यों ना चलो हम किसी दूसरे देश की खोज करते हैं। तब 10-50 मुस्टंडो लेकर के क्या किया, वास्को डी गामा निकला। यूरोप वासी था वो, वास्को डी गामा क्या निकला, भारत की खोज में निकला। भारत की खोज में क्या निकला था, वो निकला था तो बहुत सारे देश घूमते घूमते, साउथ अफ्रीका हुए थे, निकलते आया था ये घूमते घामते, तो भारत तो मिल ही गया था इससे, एक सोने की चिड़िया। उस समय रियल में सोने की चिड़िया भारत थी। तो क्या हुआ, वास्को डी गामा यूरोप से निकला, साउथ अफ्रीका पूरा घूमते हुए क्या भारत की तरफ आया। और देख लो, कहते नहीं है घर का भेदी लंका ढावे, उसमें भी इसकी मदद किसने किया था, अब्दुल मजीद नामक क्या था, गुजराती पथ प्रदर्शक, वो नेविगेशन का काम करता था। कहा भैया यहाँ कहाँ भटक रहे हो, चलो हम दिखाते हैं तुमको माल कहाँ मिलेगा। तो क्या किया, पकड़ के लेकर आया फिर भारत में। हम ऐसे बोले पकड़ के लाया नहीं, उसको क्या किया, नेविगेट करते हुए रास्ता बताते हुए लाया कि इस रास्ते से चलो तुम यहाँ, ये राज्य मिल जाएगा ये, क्योंकि उस समय छोटे छोटे राज्यों में लोग बटे हुए थे, वहां कोई भारत नहीं था तब छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे। ये इसने रास्ता बताया और क्या किया, लेकर आ गया कालीकट में। अब कालीकट पहुंच गया वास्को डी गामा, अब वहां देखा तो वो भी दंग रह गया। वहां का जो राजा था जमोरिन, अपने आप को उपाधि उसका क्या किया, स्वागत किया। और ये कब आया था, पहुंचा था वो कालीकट बंदरगाह पर, ये 20 मई 1498 को कालीकट वहां पहुंचा। तो उसका जो राजा था, हिंदू राजा था, बहुत भव्य स्वागत किया, कहा आइए हम आपके स्वागत करते हैं। और उस समय आया दक्षिण भारत में बहुत सारे मसाले, आज भी मसाले बहुत सारे मिलते हैं। वहां देखा तो वो भी बड़ा उत्साहित हुआ, क्या ये तो बहुत अच्छे जगह पर आ गए हैं। यहीं से क्या हुआ, यहीं से जो भारत के राजा थे उनका पतन स्टार्ट हो गया। जिस दिन से वास्को डी गामा ने पैर रखा, ये यूरोपीय बड़े षड्यंत्रकारी होते हैं, आज भी वही है, उनका अगर जो काम है तो मुंह लगाएंगे, नहीं तो साइड में कर देंगे, ये उनकी नीति थी और आज भी वही है। और हम भारतीय वही थे, भगवान के भरोसे, हो जाएगा तो कर लेंगे, नहीं तो बैठे रहेंगे। देखो भैया ऐसे नहीं होता, अजगर करे ना चाकरा, पंछी करे ना काम, और दास मलव का कह गए सबके दाता राम, ये वाला खत्म हो गया, अब आप ही लोग डोलोगे, नहीं तो वही जंग लग जाएगी, मरमरा जाओगे। इसीलिए अब वो छोड़ो और सोचो हमें कैसे, आखिरकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक छोटी सी कंपनी आई और पूरे भारत में राज करके चली गई 200 वर्षों तक, हमको गुलाम बनाई। वो गुलाम क्या बनाई, ऐसी यातनाएं दी कि रूह कांप जाता, वो हम केवल पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं कि क्या हुआ होगा, जिसके ऊपर बीता होगा उससे जाकर पूछो। तो क्या था, ये वास्को डी गामा आया 1498 ईस्वी में भारत कालीकट में उतरा, वो वहीं से उसका स्वागत सत्कार हुआ। और फिर क्या, बहुत सारा मसाला खरीदा उसने,
बहुत सारे मसाला खरीदा, उसके बाद वो कहाँ गया, यूरोप वापस चला गया। यूरोप वापस गया, वहां जब गया तो जितना भी यात्रा में उसके खर्च आया था वो सबको निकाल देने के बाद, जो नाव की पहिया भैया खराब हुई थी, पहिया नहीं होता, जो नाव की खराब हुई थी भैया, वो सब बदलवाने के बाद कितना उसको 60 गुना मुनाफा मिला। अब 60 गुना मुनाफा मिला आपका, अगर जो पड़ोसी आया हो और इतना ज्यादा मुनाफा करके गया, लेकर जा रहा हो, तो बगल में सोचो कि भैया ये क्या बेच रहा है इतना ज्यादा, जरा देखो हम भी तो उसी के वो करें अनुसरण कि हम भी कुछ पा जाए। ये 60 गुना कौन लेकर गया, मसाला भर के लेकर गया था अपने नाव में वास्को डी गामा। और जब वहां पहुंचा बहुत ज्यादा उसको इनकम हुई, जब बहुत ज्यादा इनकम हुई तो उसी को देख करके दूसरा आया 1500 ईस्वी में, पेंटो अल्वरेज से दूसरा पुर्तगाली भारत पहुंचा। जब भारत पहुंचा तो कहा यहाँ तो बहुत सारा संसाधन है, यहाँ से तो खूब लूटने लायक है। देखो ये क्या होते हैं, इनको उसी समय से ही अपने जो इतना देश प्रेम वो जागृत हो जाता है अंदर। तो ये क्या किया, जब आया ये वास्को डी गामा, हम क्यों इतिहास में पढ़ते हैं ना, आप बताओ, हम आ जाते हैं तो अगर जो कहीं अच्छी चीजें होती हैं तो देख कर आते हैं कि हम भी ऐसे करेंगे, और नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। तो ये जब कालीकट पहुंचा होगा वास्को डी गामा, तो इसके मन में कहीं ना कहीं तो तरीक ख्याल आया होगा कि हम इसको कैसे लूट सकते हैं, क्योंकि उस समय कोई शिक्षित था नहीं। हाँ, हमारे छोटे छोटे राज्य थे, वो आपस में लड़ते घुटते रहते थे वर्चस्व के कारण, कि कौन जीता कौन सिकंदर, तो वाली हाल है। तो ये गया, फिर वहां से दूसरा जब आया तो इसको भी मुनाफा हुआ बहुत ज्यादा। अभी देखो ये वास्को डी गामा का पेट नहीं भरा था, वो दूसरी बार भी आता है भारत, जब पेट भर जाता तो नहीं आता। अब उसको चस्का लग गया था ना कि हम भारत एक, वहां एक ऐसा टापू है भारत जहां बहुत सारे मसाले होते हैं, बहुत स्वादिष्ट होते हैं उनसे खाना पकाना। तो दूसरी बार भी कब आया ये वास्को डी गामा, 1502 ईस्वी में भारत आया वास्को डी गामा, और फिर यहीं से शुरू हो गया पतन के रास्ते। अब क्या हुए उसके बाद, फिर अंग्रेज आ गए, फिर उन्होंने क्या किया, वो तो पूरे भारत में कब्जा कर लिया, आपने देखा होगा सबको तोड़ फोड़ करके। तो इस तरह से यूरोपीय आगमन होती है 20 मई 1498 ईस्वी को। ये कौन आता है, पुर्तगाली सबसे पहले भारत आते हैं। देखिए हम एक एक वृत्तांत का करेंगे एक वीडियो में, जिससे क्या हो आपको कंफ्यूजन ना हो। तो फिर से एक ओवरव्यू देते हैं, यूरोप वासियों में ये कंफ्यूजन मत होना, ये यूरोप वासी थे उसमें सबसे पहले पुर्तगाली भारत आए थे। सबसे पहले कौन आया था, पुर्तगाली भारत आए थे। उसके बाद ये जो पुर्तगाली था वास्को डी गामा, ये दक्षिण अफ्रीका जो द्वीप है उसका चक्कर काटते हुए अब्दुल माजिद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक था ना, वो पथ प्रदर्शक था जो रास्ता दिखाते हैं। आज हम कहीं जाते हैं, चाहे ताजमहल देखना हो या भूलभुलैया देखना हो या लाल किला देखना हो, वहां गाइड मिलते हैं रास्ता बताने के लिए। अब तो कोई नहीं लेता, जो नहीं जानता, अचानक आपको नया नया आएगा तो उसको तो लेना ही पड़ेगा। अयोध्या चले जाओ, वहां भी मिलते हैं, मथुरा चले जाओ, तो हर जगह मिलते हैं। तो उसको ये वास्को डी गामा को अब्दुल माजिद मिला, तो वो क्या किया, उसको रास्ता बताते हुए लाया था कि चलो हम रास्ता तुमको बताते हैं। तो वो ये कहाँ का था, गुजराती पथ प्रदर्शक, इसकी सहायता से 20 मई 1498 को कालीकट पहुंचा था। कौन कालीकट पहुंचा था, वास्को डी गामा। वहां का जो प्रसिद्ध बंदरगाह था कंबपक्कडाबू नामक स्थान पर वास्को डी गामा ने अपना बेड़ा उतारा था। अब चलता होगा तो ऐसे है नहीं कि एक ही दिन में पहुंच जाता होगा, जितनी दक्षिण अफ्रीका वाले राज्यों में थोड़ा थोड़ा रुकते आते होगा। उस समय देखिए हमारे पास वही गांव में ही नाव बनाने वाली थी, नाव जो छोटे छोटे गढ़ई पोखरा पार कर लो, यही वाली नाव थे। और उस जमाने में यूरोप इतना डेवलप था कि सोच लो समुद्र में कितनी हजार किलोमीटर घूमते घामते वो आया है अपने नाव पर बैठ करके, उसका नाव कितना स्ट्रांग थी, और फिर उसमें मसाला भर के लेकर गया, और उसमें कुछ मुस्टंडे भी भर के लाया होगा, अकेले तो ऐसा है नहीं कि नाव चला कर आ गया होगा। तो इतनी ज्यादा एनर्जेटिक वो लोग थे, उसी समय से हो गए थे वो, हम क्या थे वहीं से ही बैठे रहे थे भट्टे तलवार के चक्कर में। तो यहाँ अपना बेड़ा उतारा वो,
फिर कालीकट के जो प्रसिद्ध शासक थे, अपनी एक उपाधि उन्होंने ले रखा था, जमोरिन बोलते हैं हम लोग, उन्होंने क्या किया, स्वागत किया, आइए और हमें लूटिए। जानते तो नहीं थे कि हमको लूट, कहां जानते होंगे कितना षड्यंत्रकारी ये लोग हैं, यूरोप वासी हमको लूट लेंगे, लेकिन नहीं, वो बड़ा ही षड्यंत्रकारी थे और क्या किए, इनको लूट लिए और आए तो उन्होंने स्वागत किया, स्वैग से करेंगे स्वागत। अब उसका परिणाम आपने देखा ही होगा हिस्ट्री में क्या हुआ जब स्वैग से स्वागत किए। फिर वह मसाला लेकर वापस गया, जब वह पुर्तगाल वापस गया तो 60 गुना कमाया, जितने भी खर्च थे सब निकाल करके कितना कमाया, 60 गुना उसने मुनाफा कमाया। फिर इसी का देख करके पड़ोसी ही उसका 1500 ईस्वी में आया पेंडो अल्वेरेस, दूसरा पुर्तगाली, वो भी इतनी ज्यादा कमा कर लेकर गया। वहां जब गया तब बहुत सारा मुनाफा भी पाया। फिर क्या किया, इसका पेट नहीं भरा वास्को डी गामा का, फिर क्या किया, वो दोबारा 1500 ईस्वी में 1502 ईस्वी में दोबारा वो भारत आया और यहीं से धीरे धीरे क्या किया, पेट बनाना स्टार्ट कर दिया और भारत पर शासन करना यहीं से थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया। देखिए कोई भी चीज होती है एग्जैक्ट नहीं होता है लेकिन धीरे धीरे यहीं से हो जाता है। अब इसके आगे आपको पढ़ाएंगे हम अंग्रेजों का आगमन, फिर जैसा वीडियो लगेगा आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। जय हिंद जय भारत।